नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और हमारे चैनल टेकी नवीन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में जो सरकार ने लॉन्च किया है और जिसके माध्यम से देश की महिलाएं घर बैठकर अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकती है और अच्छा पैसा कमा सकती है। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक ताकि इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में इसी तरीके के और वीडियोज के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, देश की महिलाएं जो है बहुत क्रिएटिव है और वो बहुत अच्छे अच्छे कई तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती है, खासकर गांव के अंदर। लेकिन हमने देखा है कि उनके प्रोडक्ट्स को ना तो एक मार्केट मिल पाता है और ना उनके प्रोडक्ट्स को सही वैल्यू मिल पाती है, इसलिए उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बड़े बड़े मॉल्स में वैसे ही प्रोडक्ट्स को बहुत ऊंची ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है। तो इसीलिए वुमन एंटरप्रेन्योर्स यानी महिला उद्यमियों और खासकर ग्रामीण महिलाओं को जिन्हें अपना सामान बेचने के लिए सही मार्केट नहीं मिलता, उनको एक बाजार देने के लिए महिला व बाल विकास मंत्रालय ने अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों की तरह एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ई महिला हार्ट, उसकी शुरुआत की है। इसमें देश के किसी भी कोने में काम कर रही महिलाएं अपने घर से सरकार के साथ मिलकर बिजनेस कर सकती है। महिला ई हार्ट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से महिलाओं को अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचने का मौका मिलता है और यह बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे हम अमेजोन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के सेलर्स बनकर पैसा कमा सकते हैं। इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के पीछे जो सरकार का विजन है वो भी यही है कि देश की जो महिला एंटरप्रेन्योर्स है उनकी क्रिएटिविटी को भी सहारा मिले, उनको सहायता मिले ताकि वो निरंतर एम्पावर्ड हो सके और इंडियन इकोनॉमी जो है उनके अंदर उनका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी बढ़ सके। साथ ही इसके माध्यम से मेक इन इंडिया यानी कि देश की महिलाएं गांव के अंदर, शहरों के अंदर जो प्रोडक्ट्स बना रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके और मेक इन इंडिया प्रमोट हो सके। तो आइए देखते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर कौन अप्लाई कर सकता है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन लोग बिजनेस कर सकते हैं। तो कोई भी महिला या सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोई ऐसी कंपनी जिसमें लीडिंग पोजीशन में महिलाएं हैं वह इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती है और इसके लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स को बेचा जा सकता है। तो 16 से ज्यादा प्रोडक्ट्स कैटेगरीज है जिनको इस प्लेटफॉर्म पर बेचा जा सकता है, आइए उनकी चर्चा करते हैं। कपड़े, फैशन एसेसरीज और ज्वेलरीज है, बैग्स, विभिन्न प्रकार के बैग्स है, चाहे वो हैंडबैग हो या पर्स वगैरह हो, डेकोरेटिव एंड गिफ्ट आइटम, होम डेकोर यानी कि घर को सजाने के सामान है, कारपेट्स है, कुशन के कवर्स, बास्केट्स, बर्तन, विभिन्न प्रकार के बॉक्स, ग्रोसरी यानी किराने का सामान, विभिन्न प्रकार के नेचुरल प्रोडक्ट्स यानी कि प्राकृतिक उत्पाद। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आप विभिन्न प्रकार की सेवाओं को भी उपलब्ध करा सकते हैं, यानी कि अगर आप जैसे कपड़े सिलाई करते हैं, आपका बुटीक है, ब्यूटी पार्लर है, आप मेहंदी लगा सकती है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हो और अगर किसी को वो सेवाएँ चाहिए तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। इनके अलावा आप विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, खिलौने, फाइल फोल्डर्स और एजुकेशनल प्रोडक्ट्स जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ये मॉडल किस तरीके से काम करता है, किस प्रकार से इस प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पर जो सेलर्स होते हैं उनका बायर से सीधा कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश किया जाता है। अगर किसी कस्टमर को इस प्लेटफॉर्म पर कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाता है तो वह उस पर क्लिक करता है और वहां पर उस प्रोडक्ट के सेलर की पूरी जानकारी मिल जाती है, जिससे वह उसको सीधे फोन करके प्रोडक्ट की कीमत के लिए बार्गेनिंग भी कर सकता है और साथ ही उसे डायरेक्ट ऑर्डर कर सकता है। अब जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर कैसे आवेदन किया जाता है, कैसे आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। तो यह बिल्कुल आसान है,
इसके लिए दो तरीके के ऑप्शन है। पहला है ये जो स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है rmkosh@gmail.com, इस पर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और साथ में प्रोडक्ट की डिटेल भेजकर अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो स्क्रीन पर ये महिला हार्ट जो पोर्टल है उसकी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाइए और वहाँ पर जो लिंक है ज्वाइन अस उस पर क्लिक कीजिए और एक जो फॉर्म ओपन होता है उसमें अपनी पूरी डिटेल्स भर दीजिए। लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन है ऑनलाइन अपनी डिटेल्स भर के रजिस्टर करने का, यह अभी ओपन नहीं हुआ है, यह अगले महीने यानी मार्च से स्टार्ट होगा। और सबसे खास बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म के साथ रजिस्टर होना बिल्कुल फ्री है, आपको कोई चार्जेस नहीं देना है। तो दोस्तों हमने जाना कि किस तरीके से देश की महिलाएं इस प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकती है और इकोनॉमिकली मजबूत हो सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को इसका फ़ायदा मिल सके और इस वेबसाइट के बारे में भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जान सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी हो और मेक इन इंडिया को प्रमोशन मिले। और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वेबसाइट की जो जानकारी है और जो इसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।